जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है, किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं, ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे।